सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कार्य पत्रिका 13 के बारे में बात करने वाले हैं जो 18/8/2021 की है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट की है, कक्षा 6 की है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है और नाउन जेंडर की ये क्या है, कार्य पत्रिका या वर्कशीट है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया मैच ही वर्ड इन द कॉलम 1 एंड सी वर्ड इन द कॉलम 2, यानी कि मेल के वर्ड कहाँ कॉलम 1 में है, फीमेल के कॉलम 2 में है। फर्स्ट वन हैड बीन डन फॉर यू, पहला कर दिया गया है आपके लिए। जैसे क्या है, फादर का मदर होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका, बुल दिया गया, बुल का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा बच्चों। ब्रदर का क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अंकल का क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। और मिस्टर का क्या हो जाएगा, मिसेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप मिला लीजिएगा। आगे देखिए क्या दिया गया, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लुक द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर ब्लू, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द जेंडर। नीचे पिक्चर दी गई है और करेक्ट नेम क्या लिखना है, जेंडर का लिखना है, ठीक है। देखो पहली पिक्चर जो दी गई है, ठीक है, ये वाली, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो ये फर्स्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ग्रैंड मदर और यहाँ पे ग्रैंड फादर, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये ब्राइड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राइड ग्रॉन और ब्राइड, ठीक है, यानी कि दूल्हा दुल्हन, ठीक है। ये क्या है, दूल्हा दुल्हन, यहाँ आप लिख लेना, ठीक है इसको। इसके बाद देखिए ये क्या है, को लॉइन और लॉइनस दिख रही होगी, यानी शेर और शेरनी दिख रहे हैं, तो ये कहाँ लिख दोगे, ये क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड में यहाँ पर लिख दोगे। यानी कि कहने का मतलब है ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये लास्ट वाला जो बच्चा है ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, किंग और क्वीन, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, किंग और क्वीन। आइए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया। नीचे देखिए दिया गया है द वर्ड जेंडर हेल्प द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मेल एंड फीमेल नाउन, ठीक है। मेल और फीमेल नाउन के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए जेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल ही वर्ड्स, बॉयज़, मैन, ठीक है, मेल बिलोंग टू द मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ये सभी क्या हैं, मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। जैसे मैन हो गया, बॉयज़ हो गया, मेल हो गया। सी जो है, सी वर्ड जैसे गर्ल हो गया, ठीक है, वुमेन हो गई और फीमेल्स हो गई, ये क्या है, फेमिनिन जेंडर जो होता है, फेमिनिन जेंडर जो होता है उससे क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, फेमिनिन, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर मे टेक द हेल्प ऑफ द नाउन बॉक्स ब्लो, ठीक है। आपको नीचे एक नाउन बॉक्स दिया गया, उसकी मदद से आपको लिखना है। जैसे मैन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों वूमेन, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वूमेन। अगर आपको स्पेलिंग ना समझ में आए तो ये देखो लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है कॉक, ठीक है। कॉक के पहले मैं एक काम करता हूँ, सन आपको बता देता हूँ, तो सन का क्या हो जाएगा बच्चों, डॉटर। ये देखो स्पेलिंग लिखी है, तो आप यहाँ लिख देना डॉटर, ठीक है। क्या करना, यहाँ लिख देना डॉटर। इसके बाद मेल का क्या हो जाएगा बच्चों, फीमेल हो जाएगा, ठीक है, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। फीमेल की स्पेलिंग ये देखो लिखी हुई है। इसके बाद क्या, ब्रदर का क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है, इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ जहाँ आपको लिखना है सिस्टर, ठीक है। इसके बाद किंग का क्या हो जाएगा, किंग का हो जाएगा बच्चों क्वीन, ठीक है। आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, क्वीन लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिख दोगे, क्वीन लिख दोगे, ठीक है। बुल का क्या हो जाएगा, बुल का हो जाएगा काऊ, बुल का क्या होगा बच्चों, काऊ होगा, स्पेलिंग ये देखो लिखी हुई है। इसके बाद क्या है आपका, नेफ्यू का हो जाएगा, नेफ्यू का हो जाएगा नाइस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको स्पेलिंग दिख जाएगी। और उसके बाद कॉक का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैन, क्या हो जाएगा बच्चों, हैन हो जाएगा, यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है, ये वाली यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।